आपण देखुचंती ओडिया सीरीज 22 नारायण सहित। ओडिया सीरीज 22 रे आजिरो कहानी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपण माने आमर चैनल को ए पर्यंत सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे सब्सक्राइब करि दियंतु ओ पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करंतु। सांगो माने जदि आपणक पाखरे मध्य एपरि किछि कहानी अछि तो आम सह निश्चय शेयर करंतु आम इंस्टाग्राम आईडी रे। इंस्टाग्राम आईडी होछि ओडिया सीरीज 22 जहार लिंक तले डिस्क्रिप्शन रे दिया होइछि। तेबे चालंतु डेरी नकरी आजिरो कहानी शुणिबा। मते आज भी से भैलेंटाइन डे मने अच्छी से दिन जहाँ मो सह घटी थिला। सेते बेले मु जुक्त दुई द्वितीय वर्षरे पढ़ुथिली। मु पूरा सीधा साधा सरल पिला थाए। सेही समय रे मोर समस्त सांग मानकर गर्लफ्रेंड थाए खाली मते छाड़िकी। मु तो खाली सिंगल नुह सिंगल मानकर कैप्टन थाए। मु 10th क्लास परे परे नुआ नुआ कॉलेज जाउ थाए। कॉलेज रे मोर सबु सांग माने निज निज गर्लफ्रेंड सह समय अतिबाहित करूथांती। मत्ते टिके निजकु दुख लागुथिला काहेकि ना आउ गोटे मास परे भैलेंटाइन डे आउ मोर सबु सांग माने तांका गर्लफ्रेंड सहित बहुत एंजॉय करिवे। किंतु मु जो सिंगल को सही सिंगल ही अछि। मो पाखरे पाठ पढ़िबा ओ इंस्टाग्राम फेसबुक चलेबा अपेक्षा आउ किछि काम नथिला। समस्तंक परी मु भी इंस्टाग्राम रे गर्ल्स माननकु फॉलो करूथाए। सेथिरु केही केही एक्सेप्ट करूथिले केही केही भी करू नथिले। सेते बेले जनवरी मास थिला बहुत शीत होउथिला। मु मो रूम रे बसी इंस्टाग्राम स्क्रोल करूथिली। ठीक सही समय रे पापा की परी ना रे गोटे झियो मते फॉलो करिला। से देखिबा को बहुत सुंदर थिला। सेते बेले मो खुशी कहिले न सरे काहे कि ना प्रथम थर पाई गोटे झियो मते फॉलो करिछि। एहा परे संगे संगे मु फॉलो एक्सेप्ट करिली। तापरे हमर कथा वार्ता आरंभ होई गला। आरंभ रे तो आमे सीधा साधा कथा होउथिलु। एहा परे धीरे धीरे निकटतर हेबाकु लागिलु। दिन राति आमे चैटिंग रे कथा वार्ता हेबाकु लागिलु। एमिति किछि दिन गला परे एबे मोर इच्छा तांको सह मिसिबाकु होउथिला। सेते बेले भैलेंटाइन डे को बहुत कम दिन बाकी थिला। किंतु ए पर्यंत आमे केबे भी परस्पर सह मिसि नथिलु। बहुत साहस करी दिने तांको मिसिबा पाई मेसेज करिली। जहा फल रे से कहिले कि भैलेंटाइन डे दिन मिसिबा। सेते बेले मोर खुशी कहिले न सरे। मु बहुत एक्साइटेड थिली कारण प्रथम थर पई गोटे झियो सह मु देखा करिबा को जिबी ताहा भी भैलेंटाइन डे दिन। आउ मो सांग माने भी मते आउ सिंगल कहि परिबेनी। भैलेंटाइन डे को आहुरी 5 दिन बाकी थिला। सेते बेले आमे सेमिति सीधा साधा कथा होउथिलु। मु भैलेंटाइन डे पाई गिफ्ट भी किनी सारी थिली। आउ से दिन आसी गला 14 फेब्रुआरी। मु बहुत खुशी थिली काहे कि ना मु आजि परी सह देखा करिबी। सबुठू अधिक खुशी रो कारण एहा कि आजि भैलेंटाइन डे आउ भैलेंटाइन डे रे मिसिबा को बहुत खुशी रो कथा। आमो पाखरे थिबा गोटे रेस्टोरेंट रे मिसिबा को भाबिलु। आउ संध्या बेले परी मते मेसेज करिले आउ से मते रेस्टोरेंट को आसीबा को कहिले। मु पूरा रेडी होई रेस्टोरेंट रे जाई पहुँचली। आउ सेठी परी को देखी बहुत खुशी होई गली। से देखिबा को बहुत सुंदर थिले। तांकु मु प्रथम थर देखी बहुत खुशी लागिला। आउ मने मने भाबिली मते किए तो मिलिला जहा सह भैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करिबी। एहा परे आमे कॉफी पीलु। एहार किछि समय परे परी कहिले तमे मो सह डांस करिबो। मु कहली हां काहे कि नहे। एहा परे आमे गोटे बार को जाई ड्रिंक करी डांस करिलो। मते सेते बेले बहुत निशा होई जाइथिला। किछि समय डांस करिबा परे परी मते से बार पाखरे थिबा एक घर को डाकिले। से घर पाख को जाई मु देखे तो से घर देखिबा को बहुत पुराना थिला। सबु आड़े बुढ़ी आनी बसा घर करी सारी थिला। जेमिति कि एठारे बहु दिन धरी केही रहु नाहंती। आउ भितर रूम सबु अंधार थाए। मते परी से घर भितरे थिबा एक बेड रूम को नहीं गले। से रूम भितरे बहुत दुर्गंध होउथिला। एहा परे से बेड रे बेडसीट घोड़ई होई सोइले आउ मते डाकिले। मु बेड को जाई जहा देखिली निजकु सहजरे विश्वास करि पारिलिनी काहे कि ना परीर चेहरा पूरा बदली जाइथिला ओ तारो मुह गोटे पट संपूर्ण रूपे पूरा पोड़ी जाइथिला। आउ तारो गोटे आखी पूरा कला पड़ी जाइथिला। से मते एक भयानक आवाज रे ता पाख को डाकिला। मु जानी पारिली कि ए गोटे प्रेतात्मा एहा साधारण झियो नुह। मु सेठू तुरंत दौड़ीबा को लागिली। ମୁଁ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁ ନଥିଲି। ମୁଁ ଏତେ ମୂର୍ଖ ଥିଲି କି ଏତେ ଦିନ ଧରି ଯାହା ସହ ମୁଁ କଥା ହେଉଥିଲି ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରେତାତ୍ମା ଥିଲା। ଏହାପରେ ମୁଁ ସେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଆଉ ବାର୍ର ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଯାଇ ଚେକ୍ କରିକି ଯାହା ଦେଖିଲି ମୋର ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା କି ମୁଁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଏକା ହିଁ ବସି କଫି ପିଉଥିଲି ଆଉ ମୋ ପାଖରେ କେହି ବି ବସି ନଥିଲେ ଆଉ ସେ ବାର୍ରେ ବି ମୁଁ ଏକା ହିଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲି। ଆଜି ବି ମୁଁ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ମୋର ଦେହର ସବୁ ରୁମ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଏ କି ସେଦିନ ଯଦି ସେଇଠୁ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ନଥାନ୍ତି ତ ମୋ ସହ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆପଣମାନେ ବି ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି ଫେସବୁକ୍ ବା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କେଉଁ ଏଞ୍ଜେଲ ପ୍ରିୟା ବା ପାପା କିପରିକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକଥା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିବେ କି ସେ ଆଉ କିଛି ନ ବାହାରୁ।